डॉग टाइम्स न्यूज़, सच का साथ का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। नमस्कार, डार्क टाइम्स न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरके त्रिपाठी, यूपी के जनपद रायबरेली। हाथरस में हुई बच्ची की विवाह सत्या को लेकर जहां प्रदेश के आह्वान पर पूरी कांग्रेस कमेटी आक्रोशित है, जिसको लेकर लगातार कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी है। वहीं रायबरेली जनपद में भी लगातार बच्चियों के साथ हो रही घटनाओं को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। जहाँ कल हाथरस की घटना को लेकर कांग्रेसियों ने कैंडल मार्च निकालकर मासूम बच्ची को श्रद्धांजलि दी थी, वहीं हाथरस जा रहे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी पर रायबरेली के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में आक्रोश की लहर दौड़ गई है और उन्होंने प्रदेश सरकार के साथ साथ पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय तिलक भवन से जुलूस निकाला। इस दौरान पुलिस से उनकी हल्की फुल्की झड़प भी हुई। कांग्रेस जिला अध्यक्ष पंकज त्रिपाठी ने कहा कि सरकार पूरी तरह निरंकुश और तानाशाह हो गई है। डार्क टाइम्स न्यूज के लिए रायबरेली से संदीप मिश्रा की रिपोर्ट। जिला उपाध्यक्ष, महिला जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर बबीता सिंह। क्या कार्यक्रम यहाँ पे है, ये विरोध का है लिए? ये विरोध का है के लिए? ये विरोध है योगी मोदी सरकार के खिलाफ। आज हमारे यहाँ की महिलाएं बच्चियाँ कोई भी सुरक्षित नहीं है। लोगों को यहाँ तक कि रेप किया जाता है, रेप करने के बाद बाद उनको जला भी दिया जाता है और यहाँ तक कि माँ बाप को भी नहीं दिया जा रहा है, इतना बड़ा अत्याचार। एक महिला अपना परिचय दीजिए। मैं शैलजा सिंह एडवोकेट, महिला जिलाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी रायबरेली। शैलजा, किस चीज का ये विरोध प्रदर्शन चल रहा था? देखिए, जंगल राज सरकार में जो योगी जी की सरकार में चल रहा है, बेटियों की स्मृति सुरक्षित नहीं है और आज जब हमारी नेता संवेदना व्यक्त करने के लिए हाथरस मिलने जा रही थी तो इस पुलिस को योगी जी आगे करते क्या जताना चाहते हैं? बलात्कारियों को तो रोक नहीं पा रहे हैं और पुलिस को आगे करके हम आवाज उठाने वालों को दबाना चाहते हैं, मगर रायबरेली की जनता है, हम लोग आवाज नहीं दबेगी। और दलित की बेटी थी वो अब मर गई और योगी आदित्यनाथ के सारे पास रात को 2 बजे उसका शव जला दिया गया। साथियों, हिंदू में ऐसा कोई वो हिंदू विधि विधान के अनुसार ऐसा कोई कानून नहीं है, ऐसी कोई फॉर्मेलिटी नहीं है कि हम उस अपने किसी शव को रात में चला दिया जाए, रात में दफन कर दिया जाए। लेकिन उस परंपराओं को तोड़ करके, हिंदू की परंपराओं को तोड़ करके योगी आदित्यनाथ के इशारे पर उस महिला, उस पीड़ित में जो मर चुकी थी बलात्कार के उत्पीड़न से, उसको दफन किया गया है। कब कहे का प्रदर्शन चल रहा है? हाजी मोहम्मद उस्मान, जो हाथरस की बेटी के साथ हादसा हुआ है, उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ और प्रदेश सरकार को उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई दे। नहीं, कांग्रेस मैदान में उतर पड़े हैं और उतर जाएंगे और सीट बजा देंगे। अभी आप डॉग टाइम्स न्यूज, सच का साथ का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता रहेगा।